Hello dear students, in basics of electrical engineering, today we will cover electrical load, means आज हम electrical load के basic properties के बारे में समझेंगे, उसके types के बारे में समझेंगे, हम समझेंगे electrical energy को हम कैसे load के form में consume करते हैं. Student, this is lecture number 10, अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं करा, please subscribe करें, bell icon click करें ताकि जो video मैं upload करूं, सबसे पहले आपके notification box में मिले. Dear students, let's talk about electrical load. Student, मैं source और load के बारे में already आपके साथ discuss कर चुका हूँ. अगर आप में से किसी को source के बारे में कोई confusion है, तो please आप हमारे पुराने videos को देख लें. अब हम electrical load की बात कर रहे हैं. Means, जब हम electricity यानी source, जब हमें energy देता है, तो उस energy को हमें किसी न किसी form में consume करते होता है. और जब हम उसको consume करते हैं, तो हमें किसी न किसी electrical device की जरूरत होती है. Means, a device which consume that generation electricity in power system, this is called electrical load. Means electrical load में हम generally electricity को consume करते हैं. बहुत सारे ऐसे practical examples हैं, जैसे आपके घर में जितने भी electrical equipment, चाहे वो fan हो गया, या फिर bulb हो गया, refrigerator हो गया, toaster machine हो गया, mixer grinder हो गया, जितने भी electricity से चलने वाली machine हैं, they all are called electrical load. अब electrical load के बहुत सारे ऐसे classification हैं student, लेकिन हम basically उनके current और voltage के leading lagging characteristics के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं. और उसी के बेसिस पे मेरे पास बेसिकली तीन टाइप के इलेक्ट्रिकल लोड है, जैसे रेसिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है. इन्हीं लोड्स को जनरली हम यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं. जस्ट एग्जांपल, मैंने रेसिस्टिव लोड को यूज करके इलेक्ट्रिकल टोस्टर बनाया या जिस या इलेक्ट्रिकल हीटर बनाया, मैंने इनकैंडेसेंट पीली रोशनी वाले बल्ब बनाई, मैंने इंडक्टिव लोड को यूज करके मैंने मोटर बनाया जो कि जिससे पंखा चलता है, मैंने स्विंग मशीन बनाया जिसके अंदर मोटर लगा है, मैंने कैपेसिटिव लोड को यूज करके बैटरी बनाई. तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लोड, एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे. स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल लोड के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में. यानी इलेक्ट्रिकल लोड को अगर हम क्लासिफाई करें, तो ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, ऐसे कौन कौन से टाइप्स है जो हमें समझना है. तो दो टाइप से हम इलेक्ट्रिकल लोड को जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हम उनको यूज करते हैं. लाइक, अगर हम नेचर ऑफ लोड की बात करें कि जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसका बेसिक नेचर क्या है, जैसा मैंने जस्ट अभी आपको बताया जिसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, उसके हिसाब से तीन प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड है जो उनको यूज करके लगभग में सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाई जाती है. दे आर कॉल्ड रेसिस्टिव लोड, दे आर कॉल्ड इंडक्टिव लोड, दे आर कॉल्ड कैपेसिटिव लोड. अब हम अगर पावर सिस्टम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, यानी जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो पावर सिस्टम के हिसाब से इलेक्ट्रिकल लोड के तीन बेसिक टाइप्स हुए जहां उनको हम यूज करते हैं. लाइक, हम बल्क पावर को इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल लोड. हम अपने घरेलू उपकरणों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक लोड. या फिर हम किसान यानी खेती में यूज करते हैं, पंप सेट में यूज करते हैं, खेती में हम डिफरेंट डिफरेंट मशीनों को चलाने के लिए यूज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर लोड. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास तीन ऐसे वाइड एरियाज है, लाइक इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एज वेल एज एग्रीकल्चर. अब इन तीनों एरियाज में जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, या तो वो रेसिस्टिव नेचर का होगा, या वो इंडक्टिव नेचर का होगा, या फिर हम कैपेसिटिव नेचर का यूज करेंगे. स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लोड एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोड. नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो को प्लीज आप वॉच करें ताकि आप रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझ लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें ताकि उस क्वेश्चन को मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं. थैंक्स.